प्राथमिक सेल 7-8 प्रकार का है, वोल्टाई सेल, डेमियन सेल, लेकलाची सेल, सुख सेल, मरकरी सेल, सिल्वर ऑक्साइड सेल, लिथियम सेल। अब टोटल जो प्राथमिक सेल होते हैं वो इस प्रकार से सारणी को आपको याद रखना है, टोटल प्राथमिक सेल आपके कंप्लीट हो जाएंगे। सबसे पहले बात करें प्राथमिक सेल के अंदर वोल्टाइज सेल, तो वोल्टाइज सेल है तो वोल्टाइज सेल का दूसरा नाम है धरु सेल। वोल्टाइज सेल की जो धन इलेक्ट्रोड होती है वो तांबे की बनी होती है, ऋण प्लेट होती है वो जस्ते से बनी होती है, और इसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट होता है तनु गंधक हम H2SO4 होता है, और जो वोल्टेज होता है इसका 1.08 वोल्ट होता है। उसके बाद सेकंड नंबर जो सेल आ रहा है वो लेकलांची सेल। लेकलांची सेल का जो दूसरा नाम है कार्बन जस्ता सेल है। इसकी जो धन प्लेट होती है वो कार्बन की छड़ होती है, ऋण प्लेट होती है वो जस्ते की होती है, इलेक्ट्रोलाइट की बात करें तो अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, और वोल्टेज की बात करें तो 1.46 वोल्ट होता है। अगला पॉइंट अपना डेनियन सेल, तो डेनियन सेल की जो धन प्लेट होती है वो तांबे का पात्र, ऋण प्लेट होती है जस्ते की, इलेक्ट्रोलाइट इसके अंदर दो होते हैं कॉपर सल्फेट CuSO4 और तनु गंधक अम्ल H2SO4, और वोल्टेज इसका होता है 1.8 वोल्ट। अगला अपना सेल है सुख सेल। सुख सेल का दूसरा नाम है कार्बन जिंक सेल। इसकी जो धन इलेक्ट्रोड होती है वो कार्बन की छड़ होती है, ऋण इलेक्ट्रोड होती है जस्ते की होती है, इलेक्ट्रोलाइट की बात करें, अपघट्य की बात करें तो अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, और वोल्टेज की बात करें 1.5 वोल्ट और 2 एम्पीयर घंटा इसकी क्षमता होती है। अगला है सारे सेल। सारे सेल की जो धन प्लेट होती है वो मैग्नीशियम डाइऑक्साइड का बेलन होती है, ऋण प्लेट जस्ते की, इलेक्ट्रोलाइट पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, और विद्युत वाहक बल 1.5 वोल्ट और 2 से 3.5 एम्पीयर घंटा इसकी क्षमता होती है। अगला है पारा या मरकरी सेल बोलते हैं। धन प्लेट होती है मरकरी ऑक्साइड की, ऋण प्लेट होती है जस्ते की, इलेक्ट्रोलाइट पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, और विद्युत वाहक बल की बात करें तो 1.35 से 1.4 वोल्ट और 6 एम्पीयर घंटा इसकी क्षमता होती है। उसके बाद में बात करें लिथियम सेल की, तो लिथियम सेल आपकी जो मोबाइल की बैटरी होती है ना उसमें काम में ली जाती है। लिथियम सेल जिसकी जो धन इलेक्ट्रोड होती है वो कार्बन की, ऋण इलेक्ट्रोड होती है लिथियम की, और जो इलेक्ट्रोलाइट होती है सल्फ्यूरिक डाइऑक्साइड SO2, और वोल्टेज की बात करें तो 2.5 से 3.6 वोल्ट। और अगला है सिल्वर सेल। सिल्वर सेल के अंदर धन प्लेट होती है सिल्वर ऑक्साइड की, ऋण प्लेट होती है जस्ते की, इलेक्ट्रोलाइट पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और वोल्टेज 1.5 और क्षमता होती है इसकी 8 एम्पीयर घंटा। प्राथमिक सेल के अंदर दो प्रकार के दोष होते हैं, पहला होता है स्थानीय क्रिया, दूसरा होता है दुर्वाचादन। स्थानीय क्रिया क्या होता है इसमें देखो, सबसे क्या है जस्ता, जो ऋण प्लेट होती है जस्ता होती है, जस्ता एक अशुद्ध धातु होती है। जस्ता क्या अशुद्ध धातु होती है। यदि जस्ता जैसे बाजार से आप लेते हो तो जिसमें सीसा लोहा सब मिस होते हैं, तो इसको रोकने के लिए अम्ल गेमेशन की क्रिया की जाती है। ध्रुवाच्छादन के अंदर क्या होता है, धन इलेक्ट्रोड के चारों ओर हाइड्रोजन के बुलबुले बनते हैं जिसके कारण वोल्टेज में रुकावट होती है। इसे कम करने के लिए मैग्नीशियम डाइऑक्साइड का प्रयोग है। यानी प्राथमिक सेल में दो दोष होते हैं, पूर्णतः तो इस दोष को खत्म नहीं किया जा सकता, काफी हद तक कम किया जा सकता है। तो ये प्राथमिक सेल की एक एक चीज आपको याद होनी चाहिए।